ये भी खासी हुन वायरल हो रही है। गल कर दिया हुन फगवाड़ा विच गन्ना किसानों वालों जो धरना दिता जा रहा है, जो छेवें दिन च दाखिल हो गया है, ते लगातार इत्थे अण मिथे समय दा धरना किसानों दा जारी है। कल गन्ना किसानों दी खेतीबाड़ी मंत्री धालीवाल दे नाल मीटिंग भी हुई, लेकिन वो बेसिट्टा रही, जिसे चलदियां यह धरना लगातार जारी है ते छेवें दिन च दाखिल हो गया है। असर इस दा नजर आ रहा है कि जिहड़े आण जाण वाले ने, क्योंकि हाईवे नूं जाम कीता होया है, वो पूरी तरह दे नाल प्रभावित हो रहा है। ਜਿਰਾਦਾ ਕੱਲਾ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। हालांकि कुछ लोग जो ने बाईपास तो चले जाते हैं, पर जिहड़ी शूगर मिल है वह बिल्कुल विचाले पैंदी है शहर के, जिसके करके ये जाम वाले हालात उत्थे बने हुए हैं। हालांकि कल मीटिंग भी हुई सी मंत्री साहब के नाल, पर वह मीटिंग किसी तण पत्तण नहीं लग सकी। इस नूं लैके किसानों ने कह दिता है कि हुण धरना जो है अणमिथे समय के लिए जारी रहेगा। बिल्कुल, हालांकि 25 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिता गया है। 25 अगस्त बाद पंजाब भर की जथेबंदियां धरने देणगियां, यह भी अल्टीमेटम दिता गया है। ਤਾਂ गन्ना किसानों का फगवाड़ा खंड मिल वाल 72 करोड़ रुपए बकाया है, और किसानों ने यह साफ तौर से सरकार से इल्जाम लगाया कि सरकार इस लेके संजीदा ही नजर नहीं आ रही, क्योंकि चेतावनी दिती गई सी, मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग भी बेसिट्टा रही है। अजे विचकार खामियाजा आम लोगों नूं भुगतना पै रहा, जिन्होंने सफर करना, और इस वेले जिथे जिथे पिंड विच नजर आ रहा जाम, उन्होंने भी भुगतना पै रहा, क्योंकि अपने घरों तो निकलना शायद उन्होंने भी उन्ना ही औखा होया होगा। इरादा दो तस्वीरां बयान कर रही ने कि किस तरह के नाल जो है किसान तो यह कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही करके वह सड़कों पर आए हैं, वो लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, पर अपने हकों के लिए उन्होंने यह धरना देना पै रहा है, जिसके करके अजिंह तस्वीर अक्सर ही देखने को मिलती हैं। क्योंकि कल भी असी तस्वीर दिखाई सन जदों हाईवे के उत्ते लंबिया लाइना जो ने वो गड्डिया दियाँ लग गई, तो हूँ आम बाजारों के जो छोटिया गलिया ने, भीड़िया गलिया ने, मुहल्ले ने, उत्थे भी इस तरह के हालात जो ने नज़र आ रहे हैं। सीधी दृष्टि वास्ते डीसी कपूरथला की ड्यूटी लाई है कि किसान जथेबंदियों के नुमाइंदों मिल के, तो जिन्हों की जमीन है उन्होंने, जिन्हें जमीन लैनी उन्होंने मिल के, जड़ा रजिस्ट्रि जी है, जे 5-6 दिन च होगी, 8 दिन च होगी, 10 दिन च होगी, जिदन भी होगी, जिन्ने पैसे आने 22 करोड़ आए, 23 करोड़ आए, 24 करोड़ आए, सीधा किसानों के खाते के जड़ा पावे। असी मिल के खिलाफ जे उन्होंने पैसे ना दिते, उन्होंने खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करांगे। उन्होंने जिथे भी कितने पंजाब होर कि कोई प्रॉपर्टी हुई उन्होंने जरा अटैच करांगे, और रैड कॉर्नर वारंट कढ़ के उन्होंने बाहरों लिया की कोशिश करांगे। असी किसानों विश्वास दवाया कि जे वो मिल बंद करके असी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके असी मिल न जरा खुद चलावे, जे कोई कानूनी प्रक्रिया के प्रॉब्लम आ गई तो असी जिहड़ा इस मिल दे नाल जिहड़ा किसानां दा गन्ना उन्नू दूसरिया मिलां दे उत्ते खड़ के वह वेचांगे। जिहड़ी आ लैटर एक इन्हां ने कढ़ी सी सरकार ने उन्हां दी फतेहाबाद वाली जमीन की खुली बोली करने वास्ते, जदकि सरकार नूं पता सी कि इहदा पहलां बयाना होया, अज 12 तरीक नूं रजिस्ट्री होनी सी ते 16 नूं पेमेंट आनी सी, हुण उह पार्टी मोहरे कदों पेमेंट दिंदी है, कदों रजिस्ट्री कराउंदी है, इहदे बारे कुछ पता नहीं। हले धारीवाल साहब कहिंदे असीं गलती मनदे हैं, उन्होंने वापस लैण नूं गलती अपनी नूं 10 दिन लगे ने, तो सानूं हुण कहिंदे हुणी धरना खत्म कर दिओ, ये नहीं इन्ना संभव हैगा। इहनूं तुसीं बेसिट्टा कह लो, जो मर्जी कह लो, सारियां जथेबंदियां दी सवेरे मीटिंग बुलावांगे इत्थे लोकल जिहड़ियां, और सारे केडर नूं सद्दांगे, तो साडियां कत्तियां नाल असीं फोन ते संपर्क कर लांगे जिहड़ियां जथेबंदियां ना भी आ सकियां, सो डिस्कस करके फिर इहदे बारे विचारांगे, जनता कोलों प्रवानगी लवांगे पे दा अगला जिहड़ा रूपरेखा अंदोलन दी की होनी चाहीदी है। सो किसान जो ने सीधा सीधा सरकार दे